सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। सो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग नासिक हरिहर फोर्ट में, और बहुत ही एडवेंचर लेवल का ये ट्रैकिंग होने वाला है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो अभी फाइनली हम लोग ट्रेन में है, और इधर देख सकते हो ट्रेन में यहाँ पे सॉन्ग बजाया जा रहा है मस्त। तो गाइस फाइनली अभी हम लोग आ चुके हैं नासिक, और अभी हम लोग 3 बजे ही पहुंच गए, और अब देखते हैं यहाँ से क्या करते हैं हम लोग। यहाँ से जहाँ तक है कि बस हम लोग को लेना पड़ेगा, उसके बाद देखते हैं और फिर चलते हैं। तो फिलहाल का ऐसा सीन है कि अभी बज रहा है 3:30, और हम लोग यहाँ से निकलेंगे 5:30 बजे की यहाँ से बस है त्रिम्बकेश्वर के लिए। और हम लोग यहाँ पे लॉज बुक किए, मतलब वहाँ पे वेटिंग रूम एरिया में हम लोग आए हैं, और थोड़ा सा रेस्ट करेंगे यहाँ पे। फिर 3:30 अभी बज रहा है, और 5:30 बजे हम लोग यहाँ से चेकआउट करेंगे। 5:30 की बस है यहाँ से त्रिम्बकेश्वर के लिए, वहाँ जाएंगे, और उसके बाद वहाँ से फिर हम लोग को और आगे जाना होगा। तो जैसे जैसे हम लोग जाते हैं ना, वो आपको मैं सारी डिटेल्स बताता हूँ। तो चलो वीडियो के साथ बने रहना। फिलहाल का ये सीन है कि हम 5ों लोग बैठ गए यहाँ पे कॉफ़ी पी रहे हैं, थोड़ा सा नींद भी यार जाना, हाँ जाना चाहिए, और तभी तो मज़ा आएगा ना ट्रैकिंग करने में। देखो सब अपने अपने बिजी हैं, और एकदम नेक्स्ट लेवल की ट्रिप हम लोग की अब तक की रह चुकी है, और आगे भी और मज़ा आने वाला है। तो अभी टाइम हो रहा है 5:30, और हम लोग लॉज से बाहर निकल रहे हैं बस पकड़ने के लिए, और यहाँ से सीधे हम लोग त्र्यंबकेश्वर जाएंगे, और फिर उसके आगे फिर हम लोग को रिक्शा करना पड़ेगा। ये लगभग 45 या 40 मिनट लगभग लगेगा यहाँ से हम लोग को नासिक स्टेशन से त्र्यंबकेश्वर के लिए, जो बस पकड़ेंगे 40 से 45 मिनट लगता है। तो चलो चलते हैं, देखते हैं बस कहाँ पे है और कितना नंबर है। तो अभी हम लोग बस पकड़ लिए और बस में बैठ गए हैं, और यह नासिक रोड स्टेशन से त्र्यंबकेश्वर के लिए हम लोग निकले हैं। तो फाइनली अभी हम लोग त्र्यंबकेश्वर आ चुके हैं। ये बस जो है 245 नंबर, हम लोग नासिक स्टेशन से त्र्यंबकेश्वर आए हैं, और अब देखते हैं यहाँ पे आपको हम लोग को ऑटो मिलेगा सामने, आगे लगा हुआ है। तो थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे ऑटो पकड़ेंगे, और फिर डायरेक्ट हम लोग हरिहर फोर्ट के लिए निकलेंगे। हर्षेवाड़ी जो विलेज है वहाँ पे, वहाँ पे हम लोग को ड्रॉप करेंगे। तो चलो देखते हैं क्या प्राइस है और क्या चार्जेस जो भी रहता है, तो देखते हैं फिर आपको बताते हैं। तो फिलहाल तो हम लोग बस में बैठे थे, तो उतना ठंड हम लोग को नहीं महसूस हुआ, बट यहाँ उतरने के बाद ना जो फील हो रहा है ना, गांव वाली वाइब आ रही है। मतलब हम लोग इतना एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि इतनी ठंडी यहाँ पे होगी, और इन लोग तो ज़्यादा कुछ पहनने वाला भी नहीं लेके आए। मैं तो ऊपर से एक जैकेट लेके आ गया था, कि बहुत लोग बोल रहे थे कि हाँ बहुत ठंड है, बट मुझे ये नहीं था कि इतना ज़्यादा रहेगा। फिर भी देखो कान में जो है ना, फेस पे वो थोड़ा सा ठंड महसूस हो रहा है, बाकी तो मैं जैकेट डाल लिया था ऊपर से, थोड़ा सा सेफ्टी रहेगा। और यार फील तो एकदम गांव वाली ही है, जो वहाँ पे ठंड रहता है ना वैसे एकदम। तो ये टिकट काउंटर है, यहाँ पे पर पर्सन 30 रुपया टिकट चार्जेस लगता है, और हम लोग 5 लोग हैं, तो 5 टिकट हम लोग ले रहे हैं। और यहाँ पे बैरल लगा हुआ है, यहाँ से अभी सीधे हम लोग थोड़ा सा अंदर जाएंगे, उसके बाद फिर आगे ट्रैकिंग करके चलना। तो फाइनली अभी हम लोग आ चुके हैं रिक्शे से, और आपको बता दूँ जैसे कि मैं, ये कुछ 17 किलोमीटर है त्र्यंबकेश्वर से यहाँ तक, और ये हम लोग के पीछे जस्ट हरिहर फोर्ट है। और हम लोग का जो रिक्शे का यहाँ का यहाँ तक आने का चार्जेस है, आने जाने का दोनों हम लोग बुक करके आए हैं, वो छोड़े हैं भाई, और हम लोग कॉल करेंगे तो वो आके इधर से हम लोग को लेके जाएंगे, जो 650 हम लोग दिए हैं। आप लोग बार्गेनिंग भी कर सकते हो बाय द वे, आप लोग के ऊपर है वो, आप लोग अगर जितने में पटा पाओ। तो हम लोग बात बात किए तो 650 में हम लोग का दोनों साइड का हम लोग पे किए, और अभी चलते हैं ऊपर और देखते हैं ट्रैकिंग करना है। थोड़ा सा पहले हम लोग बॉडी को हीट करेंगे और चाय वाय पियेंगे। तो अभी तो फिलहाल मॉर्निंग के 7:30 बज रहे हैं, 7:30, और फटाफट देखते हैं चलते हैं, और दोपहर तक जहाँ तक हम लोग रिटर्न हो जाएंगे, और आप लोगों को दिखाते हैं, क्योंकि बहुत ही नेक्स्ट लेवल का है ट्रैकिंग रहेगा, और काफ़ी मज़ा आया, हम लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब एकदम इंजॉय करके आए हैं। आप लोग अगर वीडियो देख रहे हो
तो आपको यहाँ पे आते आओगे तो बीच बीच में एक से दो दो तीन स्टॉल्स मिल जाएंगे, तो खाने पीने की चीज़ मिल जाएगी और आपको ट्रैकिंग करके हम लोग पूरा बताएंगे कहाँ क्या है और चलते हुए, क्योंकि हरियर फोर्ट का एक यही सबसे ज़्यादा फेमस है जो 80 डिग्री है चढ़ने का ट्रैकिंग में, काफ़ी मज़ा आएगा। तो चलो, तो कुछ इस तरह से हमको ऊपर ट्रैकिंग करके जाना है। ये रास्ता है ऊपर जाने का, तो फाइनली अभी हम लोग ऊपर आ चुके हैं और काफी अच्छा अमेजिंग व्यू दिख रहा है यहाँ से। थोड़ा सा ऊपर आए हैं, जस्ट हम लोग को 20 मिनट लगा होगा ऊपर आने में थोड़ा सा, और अभी तो चलना है, बट यहाँ से जो व्यू दिख रहा है ना काफ़ी अमेजिंग दिख रहा है, आपको दिखाता हूँ मैं बैक कैमरे से। तो ये देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है ये ऊपर का व्यू, आपको वहाँ पर पानी वानी मिल जाएगा। और हम लोग वहाँ से आए थे, वहाँ पर हम लोग को रिक्शा छोड़ा था, हम लोग वहाँ से आ रहे हैं पूरा ऊपर चढ़ के, और ये सामने का माउंटेन बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है, और अभी हम लोग को चढ़ना है वहाँ पर। तो अभी ऐसे जाते जाते हम लोग वहाँ ऊपर जाएंगे सबसे ऊपर टॉप पे, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। 8 बज रहा है, 10 बजे तक उस ऊपर पहुँचने की पूरी कोशिश करेंगे और फिर एक घंटा ऊपर थोड़ा टाइम देंगे, आराम से सुकून से थोड़ा वहाँ पे रेस्ट करेंगे और उसके बाद वहाँ से हम लोग निकलेंगे। लगभग हम लोग दोपहर तक नीचे आ जाएंगे, तो बने रहो। जो 80 डिग्री का वो जो चलने वाला स्टेप है ना, मेरे को उसका वाइब लेना है। तो फिलहाल के लिए हम लोग ऊपर आ गए हैं जहाँ से हरियर फोर्ट की स्टार्टिंग पॉइंट है, और काफ़ी अमेजिंग दिख रहा है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे। और जो यहाँ के नेचर है ना बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, बस आप लोग देखो और इन्जॉय करो। और मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ जो नीचे साइड का है, ये पूरा इधर माउंटेंस ही माउंटेंस है और काफ़ी मस्त दिख रहा है। यहाँ पे फोटोज़ वगैरह हम लोग क्लिक किए हैं, वो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे देख लेना, MrArbaz D03। और ये सब अभी ट्रैकर से ऊपर ट्रैक करके यहाँ पे हम लोग जाने वाले हैं ऊपर साइड। तो अभी हम लोग को यहाँ से ऊपर जाना है, ऐसे ऐसे सन है इसलिए आपको दिख नहीं रहा होगा, बट धीरे धीरे जैसे आगे जाऊंगा मैं आपको बराबर दिखेगा। और सबसे ऊपर हम लोग को यहाँ जाना है, तो अभी यहाँ जाने के लिए कम से कम 40 मिनट चाहिए, चलो चलते हैं। तो अभी पास में आ गए और अभी ऊपर चलते हैं थोड़ा सा रेस्ट करके, काफ़ी मज़ा आएगा क्योंकि देख सकते हो पीछे साइड पूरा। तो आप ये देख रहे हो हम लोग को यहाँ पे ऐसे ये जो जीना बना गया है उसके उसको सपोर्ट भी वही है, सब कुछ वही है, उसको हम लोग को पार करके ऊपर चलना है। अब यहाँ से मेन सबसे एडवेंचर लेवल का ये जो ट्रैकिंग है वो स्टार्ट होगी। नीचे तो नॉर्मली था कि ऐसे आ सकते थे, अभी तो एकदम एडवेंचर लेवल का है, तो चलो ऊपर चलते हैं। तो अभी यहाँ से हम लोग ऊपर चलने वाले हैं ये रूट से, देख सकते हो सब, देख सकते हो सब लोग यहाँ से लाइन से सब संभाल के जा रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा ये रिस्की है, पे यहाँ पे सिंगल लाइन है। वाओ, क्या दिख रहा है यार, अमेजिंग, कोनी, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे,
फाइनली ऊपर, अलग ही लेवल की खुशी है। और इधर देख सकते हो पूरा ये ऊपर दिख रहा है, और अभी थोड़ा और ऊपर चलना है जो टॉप पे हम लोग जाएंगे। तो हम लोग वहाँ आपको जो दिख रहा है ना, वो ढाबे टाइप पे खुला था टेपरी टाइप में, हम लोग वहाँ से आए हैं पूरा ऊपर। इतना प्यारा व्यू लग रहा है यार भाई, बहुत ही अभी सब। और अभी यहाँ से आगे चलना है ऊपर की साइड। और अभी चलते थोड़ा और ऊपर, और ये देख सकते हैं आप एकदम नेक्स्ट लेवल का। ओ भाई, ये आपको ऐसा आना पड़ेगा यहाँ पे थोड़ा सा। ओ ओ भाई, ओ वहाँ से आ रही गाइस पब्लिक, ये वहाँ पे है, आपको हो सकता है दिख रहा हो कुछ कुछ लोग आ रहे हैं वहाँ से। पूरा ये ऐसे यहाँ से पूरा चल के आएंगे वहाँ नीचे साइड, फिर ऊपर से उनको एक घंटा भी लगेगा आने में। और अभी हम लोग को थोड़ा और ऊपर जाना है, ऐसे 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 ऐसे, फिर वहाँ पे हम लोग को जाना है। ओ भाई, क्या ही दिख रहा है ऊपर से, तो फट रही है नीचे देखने में, पूरी गांड फट रही है भाई। अबे भाई, इधर से देखने में, इधर से देखने में क्या दिख रहा है यार। और अभी तो हम लोग को उधर जाना है ऊपर, ऐसा ये देख सकते हो। अरे यार, छोटी बच्ची तक जा रही, देखो क्या बात है भाई, ऊपर चलते हैं। और बनाने वाले ने भी क्या खूब बनाया सीढ़ी। अरे भाई, ये ज्यादा ही स्ट्रेट है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट सीढ़ी है। क्या कर रहा हूँ, नहीं आगे चलो, जब तक आप ऊपर नहीं जाओगे तब तक मैं नीचे नहीं जा सकता हूँ सर। भाई मुझे तो थोड़ा सा रास्ता दोगे ऊपर जाने के लिए, पकड़ो ये पकड़ो। हाँ यहाँ से पकड़ो ना, बस बस। डर से तो क्या हो रहा है मुझे, नीचे देखा नहीं जा रहा, नीचे देखना ही नहीं है, है ना। ओ फाइनली पहुंच गए, वही बोला मैं, तुम्हारा लगता ही है मेरा तक नहीं है। सो गाइस, फाइनली गुफा के अंदर आ गए हैं। ओ भाई, वो नहीं खाओ, नेक्स्ट लेवल। ओह फक गाइस, हमारे साथ नीचे दो साथी मिले थे, उन्होंने नहीं आए, और मैं यहाँ देख रहा हूँ भाई 6 से 7 साल की छोटी छोटी बच्ची ऊपर आ रही है। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट, बहुत ही ज्यादा, मतलब एकदम बोलते ना
85 डिग्री में कोई यहाँ पे लगता है स्टेट है। फाइनली ऊपर आ गए और बहुत ही ज्यादा हार्ड था। तो यहाँ पे आपको ऊपर स्टॉल मिल जाएगा खाने पीने की चीजें। चलो ऊपर और चलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो सबसे टॉप से जो व्यू दिखता है ना, नेक्स्ट लेवल का गाइस, बहुत ही प्यारा लग रहा है। बस हमको थोड़ा सा और चल के यहाँ पे जाना है। बहुत सारी पब्लिक है और यहाँ सैटरडे और संडे काफ़ी पब्लिक आती है। लगभग शायद से 10 से 20,000 पब्लिक ये सैटरडे और संडे के बीच में आती है, बहुत ही ज़्यादा। वहाँ जहाँ हम लोग जा रहे हैं वहाँ भी काफ़ी पब्लिक है, आपको दिखाता हूँ एक मिनट। ओ भाई, तो हम लोग को वहाँ पे जाना है और ये तो एकदम खतरनाक है गाइस। ऊपर हम लोग पहुंच गए हैं सबसे ऊपर टॉप पे और यहां से आपको व्यू दिखा दो कितना प्यारा लग रहा है। आपको पूरे चारों साइड आपको दिखेगा पूरा व्यू ही व्यू।